कल्याण के मोहम्मद अली चौक परिसर में ट्रैफिक पुलिस की टोइंग वैन का संतुलन बिगड़ने से वैन ज्वेलर्स की दुकान में घुसते घुसते रह गई। सड़क किनारे खड़ी कई मोटरसाइकिलों को कुचलते हुए टोइंग वैन राजेंद्र ज्वेलर्स की दुकान के दरवाजे पर जा टकराई। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। बता दें कि ट्रैफिक पुलिस की टोइंग वैन नो पार्किंग में खड़ी मोटरसाइकिल उठाकर ट्रैफिक ऑफिस जा रही थी, तभी गाड़ी के ड्राइवर का संतुलन बिगड़ा और सड़क किनारे खड़ी फोर व्हीलर और टू व्हीलर गाड़ियों को रौंदते हुए टोइंग वैन सीधे एक ज्वेलर्स की दुकान से जा टकराई। हादसे में किसी व्यक्ति के घायल होने की खबर तो नहीं है, लेकिन अनेकों टू व्हीलर और फोर व्हीलर गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं। इस मामले में ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि चालक को फिट आ गई इसलिए यह हादसा हुआ, लेकिन स्थानीय लोगों की माने तो वैन का ड्राइवर शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था। हादसा होते ही ट्रैफिक पुलिस के सभी कर्मचारी गाड़ी छोड़कर घटनास्थल से भाग निकले। आकिब शेख, जी वार्ता न्यूज़।